पुलिस आने वाले समय में देवता के नाम पर हो रही क्रूरता को रोकने के लिए एक अभियान चलाएगी। ऐसा करने वालों की तलाश की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये निर्णय मंडी पुलिस लाइन में एसपी मंडी के साथ सर्व देवता समिति की एक बैठक में लिया गया। सरकाघाट की गाहर पंचायत में आस्था के नाम पर महिला से क्रूरता मामले के बाद अब प्रशासन पुलिस पर देव समाज हरकत में आ गए हैं। मंडी पुलिस लाइन में एसपी मंडी के साथ सर्वदेवता समिति की एक बैठक आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि पुलिस आने वाले समय में देवता के नाम पर हो रही क्रूरता को रोकने के लिए अभियान चलाएगी। ऐसा करने वालों की तलाश की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि सरकाघाट की गोहर पंचायत में आस्था के नाम पर महिला से क्रूरता मामले के बाद अब प्रशासन पुलिस व देव समाज हरकत में आ गया है। आने वाले समय में समाज में इस प्रकार का मामला ना हो, उसके लिए कोशिशें तेज की गई हैं। मंडी पुलिस लाइन में सर्व देवता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने की। मंडी जिला सर्व देवता समिति की कार्यकारी के सदस्य भी इस मौके पर मौजूद रहे। बैठक के दौरान सरकाघाट में देवता के नाम पर हुए प्रकरण के बारे में गहन चर्चा की गई और निंदा की गई। वहीं इस प्रकार की घटना समाज में आने वाले समय में ना हो, उसके लिए लोगों को जागरूक करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि देव समाज भी इन कार्यों की रोकथाम के लिए पुलिस की सहायता करेगा। इसके साथ ही देव समाज से जुड़े लोगों को भी देवता के नाम पर किसी भी प्रकार की क्रूरता होने पर समिति को अवगत करवाने का आह्वान किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि देवता के नाम पर इस प्रकार की क्रूरता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संघ के जो प्रधान हैं और उनके जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके साथ एक काम की मीटिंग की है और इसमें जो भी सरकाघाट का जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर के चर्चा की गई। और ये मुख्य तौर पे इस मीटिंग का उद्देश्य था कि लोगों को, जो हमारे कारदार संघ हैं, इनको अवेयर किया जाए कि आस्था के नाम पे कुछ लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं उनको चेक किया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आस्था के नाम पे हो सकती हैं और यदि कोई आदमी इस तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसके खिलाफ जो है पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। तो सभी सदस्यों ने भी इसको अप्रिशिएट किया है और इन सबका भी यही सुझाव था कि जो भी लोग इस तरह से देवता के नाम पे, आस्था के नाम पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इसके लिए और इनको भी हमने, इनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि यदि आपके नोटिस में भी कोई ऐसी एक्टिविटी आती है तो पुलिस के ध्यान में लाएँ ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।